देश भर में दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बीच दशहरे में होने वाले रावण दहन को लेकर भी अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। दिल्ली के पंजाबी बाग में होने वाले ऐतिहासिक रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर रविवार को भूमि पूजन किया गया। दिल्ली के पंजाबी बाग में दशकों पुराने श्री दशहरा कमेटी पंजाबी बाग द्वारा आयोजित इस हवन में हिंदू रीति रिवाज का नज़ारा देखने को मिला। इस दौरान श्री राम और लक्ष्मण के किरदार भी देखने को मिले। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि पंजाबी बाग में दशकों से इस रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। उन्होंने बताया कि पंजाबी बाग दिल्ली का ऐतिहासिक दशहरा कार्यक्रम रहता है, जिसमें मुंबई से आए मशहूर टीम द्वारा लेजर शो के माध्यम से संपूर्ण रामायण के साथ ही महोत्सव में भारतीय संस्कृति का नज़ारा भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि पंजाबी बाग में दशकों से ये कार्यक्रम किया जाता है, जो कि पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध मानी जाती है। ये जो है ना दिल्ली का ऐतिहासिक दशहरा है, ये वर्षों से बना है, 65 साल तो हमारे को रजिस्टर्ड बॉडी के हो गए हैं। जब यहाँ बिल्कुल देहात था, ग्रामीण इलाका था, जब ही सभी गांव वाले अपने अपने क्षेत्रों में रामलीला अलग अलग करते थे, गांव वासी बच्चे बड़े मिलके सब करते थे, उसकी सभी गांव वाले शोभा यात्रा निकालकर जनरल स्टोर जो पंजाबी बाग चौक होता था, किस समय बहुत बड़ा चौक था, तो वहां पर सभी लोग अपने झांकी बना के आते थे और रावण का दहन यही करते थे। तो जब से पौराणिक काल से चला आ रहा है दशहरा और उसी परंपरा को हम कायम किए हुए हैं। हर साल ही नया होता है कुछ ना कुछ। हमारे एकदम बहुत बड़े बड़े पुतले होते हैं, 100 फुट 125 फुट पिचाने में फुट, और साथ में जो है ना हम लेजर शो का भी प्रोग्राम करते हैं। बहुत बॉम्बे से कलाकार आते हैं, हमारे लेजर शो का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है हमारे दशहरे में, और यहाँ लाखों आदमी इसका आनंद लेते हैं। तो ये विशेष रूप से लेजर शो का बहुत आनंद है, और आतिशबाजी और जो भी प्रोग्राम हर साल होता है वो तो होगा। दिन प्रतिदिन जो है इसका हमारा महत्व बढ़ता जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो टॉप 5 दशहरा कमेटी होता है दिल्ली के अंदर, उनमें से एक इसका भी नाम है। दशहरा कमेटी जानिए किस तरीके से तैयारी को भी बहुत ऐतिहासिक तैयारी, देखो सब मिलके करते हैं, एक आदमी के उसमें नहीं है, ये हम पूरी संस्था है, ये हम मेंबर हैं इसमें, काफी मेंबर हैं, और वो संस्था सब मिलकर के सब अपना इसमें सहयोग भी देते हैं। जो भी यहाँ की व्यवस्था है रावण की है, कलाकारों की है, भोजन की है, हम दशहरे वाले दिन भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। जो भी VIP लोग आते हैं सब पूरी एक संस्था संभालती है, एक आदमी के बस का नहीं है ये काम। जो है लेजर शो का तो भव्य लेजर शो होगा, जो बॉम्बे से कलाकार आ रहे हैं और यहाँ रावण पर कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से जो है वहां पर खड़े होंगे हमारे कलाकार, इलेक्ट्रिक से ऊपर जो है उनमें आग लगाई जाएगी।